Sony Live, we live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए Sony Live app डाउनलोड करें. Sony Live, we live to entertain. ये, oh my God, ये तो बहुत घायल है. क्या हुआ बेटा? हाँ? तू बेहोश हो गई? क्या हुआ इसे? बेटा, क्या हुआ? हाँ? आके खोलो, पानी ले आओ सर. मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ. हाँ। बच्चा उठो. सर ये तो आंखें ही नहीं खोल रही है, कहीं ऐसे कुछ हो तो नहीं गया? उठ जाओ बेटा, ये नब्ज सब ठीक चल रही है. बेटा उठ जाओ, उठ जाओ बेटा, उठो. क्या तुम बेटा, आपके कपड़ों में ये खून कहाँ से आया? क्या हुआ आपको? सर मैं देखती हूँ, मैं आपके हाथ चेक करती हूँ. ओके बेटा, गुड गर्ल. सर ये खून किसी और का है, इसके दोनों हाथों पर कोई चोट का निशान नहीं. बेटा ये खून आपके कपड़ों पे, ये आपके हाथों पे कहां से आया? हाँ लगता है बच्ची काफी सदमे में है, इसीलिए कुछ बोल नहीं पा रही है. इसकी जेब में चिट्ठी. भगवान के लिए मेरी बेटी को बचा लीजिए, इसकी जान खतरे में. ये मासूम बच्चे की जिंदगी कौन लेना चाहता है? एक काम करते हैं, आपको हम इन सब से इंट्रोड्यूस करते हैं, आपके नए दोस्तों से. हा? ये अभिजीत अंकल है. और बेटा मैं हूं तुम्हारा फ्रेडी अंकल. मालूम है जब मुझे छुट्टी मिलती है ना, तो मैं आप जैसे नन्हे मुन्ने दोस्तों के साथ बहुत क्रिकेट खेलता हूँ. पर सर मुझे लगता है इस प्यारी सी बच्ची को क्रिकेट नहीं पसंद, ये अपनी श्रेया दीदी के साथ गुड़िया गुड़िया खेलेगी. खेलो लगता है इसे आप लोगों के साथ दोस्ती करने में दिलचस्पी नहीं है. यानी कल्याणी मेरे साथ दोस्ती करेगी है ना? ले ले ले. अब हमारा नया दोस्त हमें अपना नाम नहीं बताएगा? ईशी. वाह, तो बहुत प्यारा नाम है. आपका नाम? बेटा मेरा नाम दया है. बेटा ये बताइए कि आप यहाँ यहाँ कैसे पहुंचे? पापा ने छोड़ा. पापा? आपके पापा को चोट लगी हुई है क्या? उनको बहुत खून बह रहा है. बेटा आपकी मम्मी वो कहाँ है? ऊपर आसमान में तारा बन के. आपका घर कहाँ है बेटा? पापा और मैं होटल में रहते हैं. अच्छा आपका ये होटल कहाँ है जहाँ पे आप और आपके पापा रहते हैं? बहुत बड़ी एक होटल है, उसमें 3 स्विमिंग पूल्स हैं. ओहो लगता है आपको स्विमिंग पूल बहुत पसंद है. अरे वाह, लेटर देख के लगता है इनके पापा को शायद घर में खतरा था, इसलिए होटल में रुके हुए थे. पर अगर इसके पापा यहाँ तक आए थे तो अंदर क्यों नहीं आए? हाँ सर, और होटल में चेक इन करने से पहले उन्होंने हमारी मदद क्यों नहीं मांगी? अब ये तो उनसे मिलने के बाद ही पता चलेगा. बस यही उम्मीद करते हैं कि वो ठीक हो और वक्त रहते उनका इलाज हो जाए. आसपास जितने भी हॉस्पिटल और क्लिनिक है सब जगह चेक करते हैं. और यहाँ शहर में जितने होटल्स हैं, बड़े बड़े होटल जिसमें 3 या 3 से ज्यादा स्विमिंग पूल्स हैं, वहाँ पे इसी की फोटोग्राफ्स भेज देते हैं. इशी बेटा आपके पापा का नाम क्या है? उनको नाम से नहीं बुलाती. अच्छा, पापा को पापा क्या क्या बुलाती हो? अच्छा पापा को दूसरे लोग क्या क्या के बुलाते हैं? उनके दोस्त क्या कहते हैं? मयंक. मयंक, और मेरे इशी बेटी का पूरा नाम क्या है? इशी कुमार. मतलब मयंक कुमार. मगर हम मयंक को देख भी लेंगे तो उसे पहचानेंगे किसे? लगता है हमें इशी को अपने साथ ले जाना होगा. सुनिए मैम, हम लोग सीआईडी से हैं. क्या आज मयंक कुमार नाम का कोई पेशेंट यहाँ पे भर्ती हुआ? हाँ, अभी कुछ घंटों पहले ही आईसीयू में भर्ती हुए हैं. क्या हुआ क्या उन्हें? एक मिनट डॉक्टर. यस डॉक्टर अनुज, ये आईसीयू वार्ड के पेशेंट मिस्टर मयंक कुमार के बारे में कुछ जानना चाहते हैं. हेलो डॉक्टर साहब, मैं इंस्पेक्टर दया सीआईडी से. एक मिनट.
जरा इसी को उस तरफ ले जा। क्या हुआ क्या उन्हें? काफी चोट लगी थी इन्हें, ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें बुरी तरह से मारा हो। अभी कुछ देर पहले मैंने पुलिस को फोन करके बता दिया है कि आकर उनका बयान ले लें। अब हालत कैसी है उनकी? अभी खतरे से बाहर है, आप चाहे तो उन्हें मिल सकते हैं। चलिए। अरे क्या हुआ, इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? डॉक्टर साहब, ऊपर से एक लड़की खिड़की से छलांग लगा रही है। तुम इसी के साथ क्यों बैठना? अरे कहाँ है वो लड़की, कहाँ है? अरे कहाँ है वो लड़की? आईसीयू वाले कमरे में। आईसीयू वाले कमरे पे? रुक जाओ। लड़की तो हाथ से निकल गई, पर ये यहां करने क्या आए थे? क्या तो मर चुका है? ऑक्सीजन पाइप से इसका गला घोटा गया है। कौन है आदमी? सर ये तो वही है मयंक कुमार जिसे आप ढूंढ रहे हैं। ये वही मयंक कुमार है? यस सर। ओह नो। तो सर इसका मतलब वो लड़की मयंक कुमार को मारने के लिए आई थी। एक काम करो, इनकी एक फोटो ले लो, कंफर्म करना होगा इसी से के ये उसके पापा मयंक कुमार है क्या। चलिए। दया अंकल आप उदास क्यों लग रहे हो? नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। निखिल इसे बेटा ये फोटो देखो, क्या यही आपके पापा हैं? हाँ ये तो मेरे पापा ही हैं, ये तो सो रहे हैं। हाँ बेटा सो रहे हैं। इनको जगा दीजिए। निखिल इसी को बाहर ले जाओ। जाओ बेटा। क्या हुआ सर? एक लड़की इसी के पिता का खून करके भाग गई। क्या सर वो आईसीयू के अंदर कैसे घुसी? इस वक्त विजिटर्स के आने का समय होता है तो कोई भी आसानी से अंदर आ सकता है। मगर रिसेप्शन में एंट्री तो होती होगी ना आने जाने वालों की? एंट्री होती है, उसके बिना कोई भी अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, ये रिसेप्शन एरिया में जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसका फुटेज दिखाओ। रिसेप्शन एरिया का विजिटिंग आवर्स का फुटेज दिखाओ। यस सर। एक मिनट पॉज करो। यही है बाबू। श्रेया जरा इसी को ले आना। सर। श्वेते श्वेता। हेलो बेटा। दया अंकल आप टीवी देख रहे हो? हाँ बेटा मैं टीवी देख रहा हूँ और अभी आपको भी दिखाता हूँ टीवी, जरा देखो। आप इन्हें पहचानती हैं? नहीं। नहीं? चलो कोई बात नहीं, तुम्हें मालूम है क्या करना है? हाँ सर मालूम है क्या करना है। गुड। हाँ पंकज। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ? सर ईशी और उसके पापा मयंक कंफर्ट पैलेस नाम की होटल में ठहरे थे और सर उस होटल से निकलने से पहले मयंक को एक फोन कॉल आया। पंकज उस फोन कॉल के बारे में पता कर रहा है। बेटा आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? आपको नूडल्स पसंद है ना? हाँ तो फिर नूडल्स क्यों नहीं खा रहे हो? आप दूध पियोगे? दूध बहुत अच्छा होता है, दूध पीने से ना हम लोग बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। मुझे दूध बहुत पसंद है, मैं बहुत सारा दूध पीता हूँ। आप पियोगे? नहीं पापा का।
पापा बेटे बहुत जल्द आ जाएंगे। अरे फ्रेडी तुम भी ना यार, बच्चे को कुछ सुनाओ, कुछ डांस वांस करके देखो। आप फ्रेडी अंकल का डांस देखोगे? बहुत अच्छा डांस करते। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।